हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर आपके भी जिले में करण खंड काव्य चलता है तो करण का चरित्र चित्रण छोड़कर नहीं जाना है पेपर देने, ठीक है। परसों आपका पेपर है तो करण का चरित्र चित्रण अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में चरित्र चित्रण हर सेट में कॉमन होता है, हर खंड काव्य में चरित्र चित्रण पूछा ही जाता है। और मैं यहाँ पर लिख कर भी लाया हूँ आपको कैसे लिखना है पेपर में, आप कितना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जितना मैंने लिखा है बस आपको उतना ही लिख करके आना है। अगर उतना लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो श्री केदारनाथ मिश्र, जिन्हें प्रभात कहा जाता है, द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजेय योद्धा कर्ण है, ठीक है। इस काव्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। कर्ण की वीरता और उसके जीवन के करुण पक्ष का वर्णन करना ही कवि का क्या है, लक्ष्य है। मतलब इसमें क्या करना है, कर्ण की जो वीरता है और उसके जीवन के जो करुण पक्ष है उन्हीं का वर्णन करना ही कवि का लक्ष्य है। इनके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 विशेषताओं का वर्णन कर देना है, हेडिंग डाल करके आपको कुछ सेंटेंसेज लिख देने हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है, जन्म से परित्यक्त, ठीक है। क्या, जन्म से परित्यक्त, इसमें आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है कि अविवाहित कुंती ने, ठीक है, अविवाहित कुंती ने सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सूर्य के तेजस्वी अंश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। कुंती द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वह माता के स्नेह से तो वंचित न रहा, किंतु सूत्र पुत्र कहलाए जाने के कारण आजीवन लांछित होता रहा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन्हें माँ का स्नेह नहीं मिला, बल्कि उन्हें माँ का स्नेह मिला, लेकिन वो सूत्र पुत्र कहलाए जाने के कारण वांछित होते रहे, ठीक है। आगे लिखना है, यह जानकर कि वह कुंती पुत्र हैं जिसको उसने लोक समाज के लिए हृदय पर पत्थर रखकर त्याग दिया था, उसकी व्यथा और भी बढ़ गई, ठीक है। तो इतना आपको कहां लिखना है, तो जन्म से परित्यक्त, पहले हेडिंग में आपको इतना सेंटेंस लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक पेज आपको नहीं लिख करके आना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। दूसरा हेडिंग आपको डालना है, दूसरा क्या है, अद्वितीय तेजवान, ठीक है, अद्वितीय तेजवान। इसमें आपको लिखना है कि कर्ण सूर्य पुत्र है, अतः स्वभावतः तेजस्वी है, उनका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को हरण करने वाला है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या थे, अद्वितीय तेजवान थे। तीसरा है अद्वितीय दानी, अद्वितीय दानी का मतलब ये दानी भी थे, ठीक है। तो कर्ण अपनी दान वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे, उसने प्रण किया कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेगा तब तक जो भी याचक उससे जो कुछ मांगेगा वह उसे देगा, ठीक है। उन्होंने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देंगे तब तक जो भी याचक उससे जो कुछ भी मांगेगा वह उन्हें देंगे, ठीक है। वह कहते हैं कि धरती भले ही कांप उठे, आकाश फटने लगे, किंतु कर्ण अपनी दानशीलता से कभी पीछे नहीं हट सकता। इससे स्पष्ट होता है कि कर्ण क्या थे, तो अद्वितीय दानी थे, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है। चौथा हेडिंग है दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है। दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब जो प्रतिज्ञा वो कर लेते थे वो उसको निभाते भी थे। तो कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया, ठीक है। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसे उसने अपने कवच कुंडल देकर भी पूर्ण किया। कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का वचन भी दिया था, उसे भी उसने युद्ध के समय में निभाया। उन्होंने कहा था कि मैं चारों भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और वह युद्ध में ऐसा करके भी दिखाए थे, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे। तो आपको क्या लिखना है, 5 हेडिंग लिख देना है। चलिए लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या लिखना है। तो 5वां आपको लिखना है आत्मविश्वासी, ठीक है। तो कर्ण को अपने शौर्य और पराक्रम पर अविचल आत्मविश्वास है। वह कृष्ण से, कुंती से और भीष्म से बातें करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक अर्जुन का वध करने को कहता है, ठीक है। उसने कृष्ण को स्पष्ट कह दिया कि भले ही अब उसके पास कवच कुंडल नहीं है, किंतु आत्मबल और आत्मविश्वास अब भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह आत्मविश्वासी भी थे, क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास था कि वह अर्जुन का वध करेंगे, ठीक है। तो वह आत्मविश्वासी भी थे, यहां से स्पष्ट होता है। तो आपको क्या करना है, केवल 5 ही हेडिंग लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करना होता है।
तो इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं जैसे बस बताया हूँ जितना लाइन आपको बताया गया, बहुत ही सरल तरीका है, इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और पेपर में चरित्र चित्रण आएगा ही आएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।